तो हो रहा है रे, तुम लोग से हुआ ये क्वेश्चन? देखो इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 6 लिया हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःक हो, ठीक, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू क्या है, कॉस ए बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर आपका पेपर में पूछते हैं 2 मार्क्स में, ठीक। तो देखो फिर दोबारा पढ़ के समझते हैं क्या बोला है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः हो। अंतः कोण का मतलब क्या है, अंतर से मतलब नहीं समझ पा रहे हो अभी, लेकिन त्रिभुज तो समझ रहे हो एबीसी, तो एक एबीसी त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं हम ए बी सी। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं बताओ, 3। अंत और बही का मतलब क्या होता है, बही से बाहर अंत अंदर, तो अंतर कोण मतलब ए कोण, ये वाली कोण, ये वाली कोण, ये अंदर की कोण का बात बताया जा रहा है। इसी लाइन को आगे बढ़ा दे तो यहाँ पे एक ठो कोण बन रहा है, ये बही कोण होता है। इसको भी बढ़ा देंगे तो इधर भी क्या होगा, बही कोण होगा। इसको भी आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये भी बही कोण होगा, लेकिन हमको बही कोण तो बोला नहीं है, नहीं समझा, हमको क्या बोला है खाली अंतः कोण, हमको अंतः कोण से मतलब है, अंदर वाला कोण से मतलब है, समझा कि नहीं, ये बात सबको समझ में आया। तो ए बी और सी ये तीनों कोण है दिया है हमको, दिखाने के लिए बोला है इतना बराबर इतना। अब दिया तो अतः कोण उसी में से चलना है। ये बताओ त्रिभुज की तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180। तो लिखेंगे वही चीज, इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिलके 180 होता है। अब क्वेश्चन में देखना यहाँ पे एक तरफ क्या है बी प्लस सी बाई टू और एक तरफ क्या है ए बाई टू, तो इसमें हम बी सी को एक तरफ रखेंगे, ए को उस साइड लेके जाएंगे, तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये कोण इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये समझ में आया कि नहीं। अब बी प्लस सी के बटे में क्या है, तो 2 से दोनों तरफ भागा दे देते हैं, तो 2 से भागा देंगे तो बी भी खाली लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, बी प्लस सी बाई टू, इधर भी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए बाई टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में क्या से 2 से भागा देने पर, समझा कि नहीं, ये चीज समझ में आया। अब देखो b प्लस सी बाई टू बन गया इधर है, लेकिन इधर a बाई टू है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको तो जैसे है ऐसे ही रहने देते हैं, इधर क्या करते हैं 180 बटा 2 कर देते हैं। 180 बटा 2 मतलब कितना होगा बताओ, 90 डिग्री। 180 बटा 2 होगा ना, तो वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री लिख दिया, माइनस साइन है माइनस लगाएंगे, ए बटा 2, कितना तब तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बी प्लस सी वाई टू के साथ है कौन, तो साइन दोनों तरफ गुणा कर रहा हूँ, इसके बाद वाले लाइन में साइन से गुणा किया मैंने, बी प्लस सी वाई टू इधर भी क्या चीज से गुणा कर रहा हूँ, साइन से, साइन 90 डिग्री माइनस ए वाई टू, क्या किए दोनों पक्षों में क्या किया मैंने, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, समझा कि नहीं रे, ये चीज समझ में आ गया ना, गुणा करने पर हुआ। अब देखो साइन बी प्लस सी बाई टू, यहां पे साइन बी प्लस सी बाई टू है कि नहीं, इधर क्या है कॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। चलो ठीक, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू। देखो इसका मान कितना आ गया, कॉस ए बाई टू। यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था, प्रूफ्ड लिखो या फिर इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या समझ में आया? पहले दोबारा बता दे रहा हूँ, ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर कितना होता है? 180। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? साइन बी प्लस सी बाई टू। तो बी प्लस सी को एक तरफ रखा, ए को उधर लेके गए, फिर दो से भगा दे दिया कि वो बटा टू था। ये तो जैसे क्या ऐसे ही लिखा, 180 बटा 2 मतलब 90 डिग्री हो गया, माइनस ए बाई टू हो गया। अब क्वेश्चन में साइन है तो दोनों तरफ साइन से गुणा कर दिए, तो साइन बी प्लस सी बाई टू बना, इधर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना? चलो नोट कर।